हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे जिनके नतीजे आना आज जारी है। तो बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा चुनावों के उपचुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं और इनमें से 11 सीटों के नतीजे खुल चुके हैं। इन 11 सीटों में कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं, वहीं TMC के पाले में अभी तक 3 सीटें आई हैं, BJP के पाले में 2 सीटें आई हैं, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। तो चलिए जानते हैं कि किस राज्य में किस विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी की जीत हुई है। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अमरावाड़ा पर BJP ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की रुपौली सीट के ऊपर निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। पंजाब में जलंधर वेस्ट की सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। और वहीं बंगाल की तरफ जाएं तो राजघाट साउथ की सीट जो है उस पर TMC को जीत हासिल हुई है। रायगंज सीट भी TMC के पाले में गई है, भागड़ा सीट भी TMC के पाले में गई है और मनिकटाला की सीट पर भी TMC के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी कि बंगाल की जो 4 विधानसभा सीटें थी वो सभी उपचुनावों में TMC के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। विधानसभा की वो 3 सीटें थी हमीरपुर, देहरा और नालागढ़। और इन सभी सीटों में से हमीरपुर की अगर बात करें तो BJP ने जीत दर्ज की है हमीरपुर की विधानसभा सीट पर। देहरा और नालागढ़ दोनों ही सीटें कांग्रेस के पाले में गए हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे तो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 2 विधानसभा सीटें थी बद्रीनाथ और मंगलोर, और बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस काबिज है और मंगलोर सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा। तो तमिलनाडु की 1 सीट थी, विक्रवाड़ी सीट थी और वहाँ DMK लीड कर रही है। तो 2 ही सीटों के नतीजे जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है, लेकिन इन्हीं 2 सीटों पर जो कि मनिकटाला है वहाँ TMC लीड कर रही है और DMK लीड कर रही है तमिलनाडु की विक्रवाड़ी सीट पर। और उम्मीद है कि जल्दी इनके भी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और काफ़ी मार्जिन है इस लीड का। तो ये आज नतीजे जो घोषित हुए उपचुनावों के वो हमने आपको बताए। 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनावों के नतीजे थे जिनमें से 11 सीटों के नतीजे क्लियर हो चुके हैं और आने वाले कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी 13 सीटों की पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी।